हेलो दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आप देख रहे हैं टेक रिव्यू। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को फेसबुक अकाउंट डिलीट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आना है बहुत सारे सेटिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना है बस। और नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल मिल जाएगा, और वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद डीएक्टिवेशन एंड डिलीट, उसके बाद क्लिक करना है। ऊपर में डीएक्टिवेट अकाउंट लिखा होगा और नीचे डिलीट अकाउंट लिखा होगा। डीएक्टिवेट अकाउंट मतलब वो डीएक्टिवेट हो जाएगा जब भी आप लॉग इन करेंगे, फिर एक्टिवेट हो जाएगा। डिलीट अकाउंट मतलब अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर अपना अकाउंट पे क्लिक नहीं किया या साइन इन नहीं किया अकाउंट पे, तो वो क्या होगा ना, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं कर रहा हूँ, आप वैसे ही स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे चीज़ें लिखा है, इसमें ज़्यादा आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। और नीचे आना है, डिलीट अकाउंट करना है, पे क्लिक करना है। डिलीट अकाउंट जैसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद पासवर्ड मांगता है, तो मैं पॉज करके अपना पासवर्ड दे देता हूँ। और पासवर्ड देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने, और डिलीट अकाउंट पर क्लिक किया। तो डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा है कि 30 डेज के अंदर अंदर आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा अगर आप उसके अंदर अंदर साइन इन नहीं किया। तो आप लोगों को डिलीट करने के लिए 30 डेज तक वेट करना है, और 30 डेज के बाद आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो